Never reminded, never taking whatever you told me. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आर सपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। दोस्तों आज फिर से आए हैं पटियाला 200 गज की 4 BHK डुप्लेक्स आपके लिए लेके। तो सबसे पहले जैसे आप एंट्री करते हो आपको मिल जाती है कार पार्किंग, थोड़ा सा काम इसमें चल रहा है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तभी आपको कोठी हैंड ओवर होगी। तो यहाँ पर जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ ही फ्रंट में ही हमारा आता है पूजा घर, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड होती है, हमें पूजा घर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत ही प्यारा यहाँ पर पूजा घर आपको बना दिया है, ठीक है। उसी के राइट साइड में आता है हमारा किचन। किचन यहाँ पर देखोगे फुल्ली मॉडुलर किचन होने वाला है, और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर अभी कुछ काम पेंडिंग है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 4 दिन का काम है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो किचन देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर आपकी विंडो आ जाएगी प्रॉपर, और यहाँ पर चिमनी लगा के आपको दे रहे हैं, ब्लैक कलर की ग्रेनाइट है, और जितने भी यहाँ पर कवर्स मतलब होने वाले हैं यहाँ पर सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे। फुल्ली मॉडुलर किचन यहाँ पर आपका होने वाला है। इस साइड में आपको जो है फ्रिज का स्पेस भी आता है, यहाँ पर आप फ्रिज वगैरह भी इजी लगा सकते हो। उसी के सामने आता है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा एक छोटा सा LED पैनल जिसको आप बना सकते हो। ये स्टेयर्स के नीचे से यहाँ पर कवर किया गया, और यहाँ पर जो भी आपने सामान रखना है छोटा मोटा डेकोरेशन वगैरह के लिए, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। उसी के साथ राइट साइड में आ जाएगा हमारा लिविंग एरिया, जो कि आप देखोगे तो लिविंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। स्पेस की अगर बात करूँ 10 सीटर सोफा लगाते हो तो भी आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली, और पूरा कंप्लीट करके ही आपको ये देने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि यहाँ पर आप देखोगे बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है, और बेड लगा के आपको देने वाले हैं। ये हमारा बेड लगा है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और साथ में आती है हमारी LED पैनल देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा हैवी LED पैनल है, और पूरा वुडन का वर्क किया हुआ है। जो भी आपने सामान रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो, और ये हमारी यहाँ पर अगर आप चाहो ऐसे ड्रेसिंग भी इसको यूज़ कर सकते हो, मिरर लगा के, या फिर सामने भी आ जाएगा। और ये आ जाती है दोस्तों हमारी कबर्ड्स। कबर्ड देखोगे पूरी ऊपर तक कवर की गई है, जो भी सामान आपने रखना है वो यहाँ पर आराम से आप इजे रख सकते हो, और यहाँ पर भी आपका मिरर लग जाएगा, ये भी ड्रेसिंग आपकी बन जाएगी। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखना है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और उसी के बैक साइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये रहेगा हमारा मतलब एज ए स्टोर रूम भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो। और यहाँ पर हमारी साइड में कबर्ड्स वगैरह भी दे दी, जो कि ऊपर तक कवर की गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लोगों के इसके अंदर सामान रखोगे, बाकी जो भी सामान रखना है आप आराम से इसमें रख सकते हो। और आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेगा, आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और यहाँ पर CRI की सैनिटरी लग के मिलने वाली, टाइल्स को पूरा ऊपर तक कवर किया गया ताकि नमी की प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर हमारी विंडो आ जाती है, और उसके साथ हमारे एडजस्ट फैन के लिए भी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ से आ जाती है हमारी विंडो, वॉशिंग एरिया भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसकी कनेक्टिविटी वॉशिंग एरिया के दूसरे रूम से। तो हम चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेगा, डबल बेड इसमें भी लगा के आपको देने वाले हैं। डबल बेड लगा हुआ है फिर भी आपके पास देखो इतना काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आई थी हमारी LED पैनल। LED पैनल यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही मतलब हैवी LED पैनल यहाँ पर लगाई है, वुडन कवर किया गया है, और ऊपर से नीचे तक पूरी कवर है। जो भी आपने एक्स्ट्रा सामान रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो, यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए रख सकते हो। और ये आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर होने वाला है वॉशिंग एरिया के अंदर। आप आराम से वॉशिंग मशीन लगा के आराम से वॉशिंग कर सकते हो, ऊपर से पूरा ओपन है, चाली डाली हुई कवर किया हुआ है इसको। साथ में ही बेडरूम में आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेगा, टाइल्स को पूरा ऊपर तक कवर किया गया है, और विंडो एडजस्टमेंट के लिए स्पेस दिया हुआ है ताकि वेंटिलेशन की कोई भी परेशानी आपको ना हो। और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कबर्ड्स की अगर बात करूँ तो पूरा ऊपर तक यहाँ से कबर्ड्स को पूरा ऊपर कवर किया गया है, यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग आ जाएगी, पूरा कंप्लीट करके मिलेगा। और जो भी अपने सामान वगैरह रखना है यहाँ पर रख सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पर हमारा बेड के साथ यहाँ पर पूरा वुडन कवर किया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो 3D वॉलपेपर भी आपको मतलब लगा के मिल जाएगा, और फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग जैसे दिख रही है सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। तो 2 BHK ग्राउंड फ्लोर है, 2 BHK हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो स्टेज जो है इसके अंदर से ही है। क्या दोस्तों हमारा ऊपर का पोर्शन, और यहाँ पर आप देखोगे जैसे आप ऊपर आते हो, जैसे कि मैंने बताया कि 200 गज की ये डुप्लेक्स होने वाला है, तो जैसे आप स्टेज से ऊपर आते हो तो राइट साइड में आपका आता है थर्ड बेडरूम, जो कि आप देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, प्लेन वॉल है, और यहाँ पर यह हमारी विंडो आ जाती है। उसके साथ में आता है हमारा सेकेंड बेडरूम। बाहर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि दोनों रूम्स के लिए यही कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम की टाइल जो ऊपर तक कवर की गई है, और यहाँ पर विंडो आ जाती है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, एडजस्ट करने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। आ जाएगा हमारा फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम यहाँ पर देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेगा, जो कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट किया हुआ है इसको, आप इसको एज ए स्टोर रूम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कवर्स वगैरह लगा के भी इसको
अलग से वॉशरूम भी बना सकते हो सेपरेट, या फिर आप इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। सामने आती है हमारी फ्रंट बालकनी जो किसी रूम से कनेक्ट रहेगी, तो ये आ जाएगी हमारी फ्रंट बालकनी जो कि आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर भी, और पूरी बाहर तक यहाँ पर बालकनी को कवर किया गया है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम में टी कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हो, चार चेयर लगा के आराम से आपको जगह मिल जाएगी। और सामने आता है हमारा हाईवे जो कि आप देख सकते हो, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हाईवे आता है जो कि आप यहाँ पर गाड़ी चलती हुई देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब हाईवे के बिल्कुल पास में यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, लोकेशन की, अपने बैक साइड एरिया की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप स्टेयर से ऊपर चलते हो तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिया है। अगर यहाँ पर भी आप सोफ़ा लगाना चाहो तो 8 सीटर सोफ़ा आराम से लग जाएगा आपका। और ये आ जाता है हमारा बैक साइड एरिया। बैक साइड एरिया देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, ग्रीनरी वगैरह लगा सकते हो, और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से दी हुई है ऊपर अगर आपने जाना है तो। वाले इसकी पटियाला ट्रिप्टी मार्केट के नियर, और हाईवे जो है मात्र 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हाईवे रहने वाला है। और दोस्तों मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रहेगा मात्र 76 लाख रुपये इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि 76 लाख रुपये में आपको 200 गज की 4 BHK डुप्लेक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है सारी कुछ इंक्लूड मिलने वाली है और पूरा काम कंप्लीट करके इसमें देने वाले हैं। तो फटाफट से आइए दोस्तों, कॉल कीजिए, बुक कीजिए, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।